तुमने कैसे खाया? अरे हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या? कोई आदमी होगा तो उसको सॉरी बोल दिया यार, मैं तुमको बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। वाओ यार चॉकलेट दे दी यार इसने, हमें बुखार आ सकता है। क्या है? पालक अच्छा यार। वुमेन्स कार नहीं है यार। सो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं सॉरी मुझे याद आता ना वही, तो वेरी गुड इवनिंग एंड मेरे को कहते दे दी ऐसे ना देख पब्लिक प्यार हो जाएगा। तो हम दोनों आज रेडी हो रखे हैं, क्यों? क्योंकि गुन्नू के जो पापा है वो जस्ट आने वाले हैं, ऐसा वो पिछले एक घंटे से कह रहे हैं, बस निकल गया ऑफिस से निकल गया। अभी तक नहीं निकले, मुझे बताइए सारे के सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या? मतलब हम लेट कर देना तो ये इतना रेडी होने में टाइम लगाते हैं, इतना रेडी होने में टाइम लगाते हैं, खुद ऑफिस आने में जो टाइम लगाते हैं। एनीवेज तो हम रेडी होके बैठे हैं पिछले आधे पौने घंटे से, बट लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, अब निकल गए। तो उनको ना एक्चुअली नोएडा साइड में काम है थोड़ा सा, और काफ़ी गुन्नू को घुमाने का टाइम रहता है इवनिंग का, तो उन्होंने कहा चल आज तू भी चल, गुन्नू को घुमा भी लाएंगे थोड़ा सा हम बाहर, अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कराएंगे। सो वी आर रेडी एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर फादर। तो जैसे ही वो आते हैं हम निकलते हैं, तब तक गुन्नू में थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं अंकल की, क्योंकि भूख लग गई है यार। हाँ ये गुन्नू के गालों पे लिपस्टिक छप गई है, मैं पोज देती हूँ। मैंने एक्चुअली गुन्नू को ना टी शर्ट पजामे में ही रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ना मेरे को डायपर बनाना अच्छा नहीं लगता है, वीडियो के लिए किसी चीज़ के लिए मैं ड्रेस बनाऊँ, फिर वो तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में उसने गीली कर देनी है, आधे घंटे में मैक्सिमम, तो लिपस्टिक लग गई थी। लेकिन अभी हम बाहर जा रहे थे, मैंने पहना दिया है डायपर उसे, फिर मुझे भी नहीं पसंद, मुझे ढीली ढाली टी शर्टें पजामा इस टाइप के पहनना पसंद है, कम्फर्ट मिलता है। तो अच्छा लो, एंडी गुन्नू का फर्स्ट फ्रेंडशिप बैंड है जो उसको मिला है इसकी लाइफ का, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है इसकी। इसको मैं संभाल के रखूँगी अच्छे से, जब गुन्नू बड़ी होगी मैं इसको दूँगी, जब समझने लायक हो जाएगी क्या होता है फ्रेंडशिप बैंड। अच्छा ये देख रहे हो, एंड यार मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी तो फिर मेरा मन नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि बाहर चलेंगे, तो मैंने एक ही बनाई दूसरी नहीं बनाई, मैंने कहा पेट भर जाएगा तो फ़ायदा क्या। कुछ सालों बाद हम निकल ही गए हैं, कुछ सालों बाद 10-12 साल हो गए, और क्या इतना टाइम। हाँ बोल रही है गुन्नू, इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, मतलब आ गए तो उसके बाद क्या चल रहे अभी यार, चल रहे चल रहे हम यहाँ पे 5 बजे से रेडी होके बैठे थे, क्या खाते हैं कैसे करते हैं। गुन्नू का तो विचार लग रहा है कुछ नहीं कराने का, सर कुछ नहीं बोलो बोला मुझसे मुझे क्या खाओगे, मैंने कहा मुझे क्या बता के इसलिए मैं नहीं लाता उधर का बाहर, पता ही नहीं होता। अरे यार लेकिन जो चीज़ दिखते जाएगी तो लेते जाएंगे, भरते जाएंगे। हाँ वो भी चलेगा यार, मजाक कर रहे थे तुम, इंसान खाते हैं। गाना भी क्या लगाया देख रहे हो, एक प्लेट मोमोस। लोग जब डेट पे जाते तो रोमांटिक सॉन्ग लगाते हैं, यहाँ पे मेरे पति देव ने लगाया मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। यार सच में भैया इतनी भी बुरी नहीं, इतना भी अत्याचार नहीं कर रही, इतना भी कर रही जैसे कर रही होंगी, मतलब कर ही नहीं रही हो है ना गुन्नी। गुन्नी का मुंह कर सड़ा रही है, इसको पसंद नहीं आ हर चीज, पैसा थोड़ी होता है। ये गाना गुन्नू को अच्छा लग रहा है, लिट्टी चोखा। हाँ ये ले लो आज ट्राई करते हैं, मैंने कभी नहीं खाया लिट्टी चोखा, अच्छा होगा ना फिर अपने वीडियो में भी दिखाऊंगा। किसमें अच्छा होता है बाहर अल्लाह कर रही लोगों को क्या है भाई। ये दाल बाटी चूरमा होता है उसकी तरह होता है क्या? मैंने घर पर बनाया था, दाल बाटी में दाल होती है बाटी, हाँ ये सत्तू का होता है, वो आटे का होता है। अच्छा हाँ वो आटे का होता है, मैंने घर पर बनाया था एक बार वीडियो में, मुकबंग टेस्ट करके बताओ कैसा अच्छा होता है। इनका खाया हमने, नींबू का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है इसमें, नींबू नहीं होता है चौड़ा से, शायद ऊपर से
मुझे देख दे। पहली बार खा रही हूँ, मतलब अब जब आऊंगी तब खाऊंगी, मतलब ऐसा अच्छा लगा। गलती कर रही है। कितना मस्त बनाया, पता नहीं अंकल ने अच्छा बनाया। अच्छा होता है, अच्छा होता है। मैं सोचती हूँ लोग क्यों खाते हैं आटे के बॉल जैसे, बट लेके कुछ नहीं आया भाई। क्यों मिला ही नहीं, खत्म हो गया उस पे। इतने टेस्टी बनाता था क्या? सेट हम रह गए। तो मोमोज तो नहीं मिले, बट वाह। हाँ अब मैं तो ऐसा हो रहा, इतना अच्छा लग गया ना मेरे मुंह को कि कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेंगे चल जाएगा ना। सच में यार, मतलब ऐसे लग रहा था लिट्टी चोखा कोई आदमी होगा तो उसको सॉरी बोल दिया यार, मैं तुमको बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। वाह यार, मैंने क्या बोला? लगता है सर पे चढ़ गई चोखा। यार तो मेरी बेइज्जती क्या है, तू पापा के साथ की बोल रही है? तू पापा के साथ है, मेरी साइड है। तो हम दोनों का ना ऐसी है, मतलब अब मैं आपको समझता हूँ, हम तो जब तक एक दूसरे की बेइज्जती नहीं मानेगी, हमारी कुछ दिन लड़ाई नहीं होगी ना, तो मतलब हमें बुखार आ सकता है, इतना मतलब हमारे वो है। सो बट जो भी है ठीक है, अभी हम देखते हैं। हम निकले हैं इन सर्च ऑफ मोमोज, और कुछ अगर अच्छा भी हाँ, मतलब रूड नहीं है, ये हमारा नेचर ही है। मतलब अब मैं वीडियो के सामने, क्योंकि मैं कैमरे में बोलती तो मैं सामने नहीं बोलती, बट मैं अभी फुल मतलब जेडी आपकी बिल्कुल पीछे नहीं रहती है, बस आपको ऑन कैमरा हस्बैंड का दिख जाता है। हाँ थोड़ा सा ना सीधी मासूम बनना पड़ता है। तो ऐसे नहीं है, हाँ मतलब हाँ ये वुमेन्स कार नहीं है यार, लेकिन मतलब ये कि रूड नहीं है, ये हमारा रिश्ता ही है सर। मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं भी इतना ही बोलती, मैं भी वैसे ही बोलती हूँ। हाँ मोमो अच्छे थे इसके, अच्छा नाम आई लव मोमो है। मुझे लगा कह रहे आई लव मोमो, लेकिन यहाँ बना खिला दो यार ग्रीन मोमो। फिर आज तो मेरे को बढ़िया बढ़िया चीज खिला दो, दिल गार्डन गार्डन कर दो मेरा। अब हरे मोमोज खिला के क्या, तुझे क्या चाहिए? मैं उनको बाहर जाना है, खेलना है, सब पटपटाने हैं। पटपटाने मींस गाड़ी को बजाना, हर चीज को बजाना है। पापा आ गए गुन्नी, पापा से हेलो। पापा को मिले हरे वाले मोमोज? वेज मोमोज होंगे ना, सो पनीर एंड चीज एंड कॉर्न है मेरे ख्याल से। चीज एंड कॉर्न लाए, अच्छा होता है चीज। हां मेरे को पता नहीं है, तो उसने महंगा सा बोला तो मैं लिया है। महंगी चीजें अच्छी नहीं होती है। मेरे को नहीं पता, मैं कर ले, मुझे तो चीज पसंद है। पर चीज एंड कॉर्न नहीं पसंद है साथ में, समोसे भी अच्छे नहीं होते चीज एंड कॉर्न के। 80 रुपए के 5 पीस है मेरे पास, 5 4 ये छेने लगे। बोल रहा था बहुत टेस्टी है, ट्राई कर लो आप, जानता है ना मेरे को। अच्छा तो मैं नहीं मान रहा, 2 पीस खाने के लिए देखा। क्या है? पालक। अच्छा ये पालक ऐसा हरा कलर होगा थोड़ा ना। अब ये वाले किसके? मैदे के हैं। माय हमने नहीं खोली, वैसे नॉनवेज नहीं रखता है, बट फिर भी अब नई ज्वेलरी खरीदना हो गया है। अच्छा गरम है क्या? मेरे हस्बैंड ना गरम फूड नहीं खाते बिल्कुल भी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, इनको ठंडा चाहिए बिल्कुल। गरम खाने को पहले हमें पंखे के नीचे रखना पड़ता है। मुझे आओ अच्छे लग रहे हैं, पता कैसे हो रहे हैं? जो माओ नहीं देता शर्मा के सामने, शर्मा के सामने बनाता है, मेरे फेवरेट है। ये भी अच्छा, पालक वाले ज्यादा अच्छे हो रहा। यम ये तो कुरकुरे हैं। हाँ तो तुझे क्या लगा स्टीम? ओ ठीक तो बढ़िया रहे, मुझे लग रहा है ठीक होंगे। एक्सपर्ट की राय लेना चाहेंगे? अच्छा अच्छे देखने से ही लग रहे हैं, उनकी फीलिंग जो है ना। एनी यहाँ पे गुनू ने देखो क्या करा आज ही, मैंने पापा का गिफ्ट पहना था, पापा का दिया हुआ, और आपने क्या करा? गुनू परेशान हो गई, क्या करूँ क्या करूँ, मुझे ना खिला रहे ना घुमा रहे। मेरे को घुमाने के नाम पे खाली
पागल बना दो दोनों मेरा। गुनो गरम है। अरे वाह यार, फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है उनकी। अच्छा प्रेमी खाने हैं। तुमने कैसे खाया? डाल लिया था मुंह में, अब निकाल तो नहीं सकता था ना, कैमरा था मुंह पे। कैमरा था तो निकाल देता हूँ। स्टीम दिख रही है आपको? ये कितनी? 80 के 5 है। यही है, वो तो सस्ते हैं। वो कितने के दे? 60 रुपए प्लेट। इट्स टाइम फॉर डेजर्ट। चलो हम पिंग से। हाँ पेट भर गया। अब घर पर खाना नहीं बनाएगी? आप कौन? ये भी ठीक ठाक बनाता है लिट्टी चोखा। अभी तो खा लिया, मतलब पेट भर गया। मैंने एक्चुअली एक गिलास दूध चिप्स खा के आई थी, थोड़ा भूख लग रही थी। हाँ यार, गुन्नू को पिलाया था ना तो उसने नहीं पिया। चीज़ वाले बहुत हैवी थे यार। हाँ यार, मतलब लोग बोलेंगे इतना खाती है वीडियो में ऐसे करती है, बट ना बहुत हैवी थे यार। मतलब मुझे लग रहा था कि, लेकिन टेस्टी उतने थे, नो डाउट। आज तुमने मतलब तुम क्या कह रहे थे नोएडा में? हाँ, बट फिर भी तुमने टेस्ट कहाँ कहाँ से तुम लेके आए, जहाँ जहाँ से लाए, तुम्हारे हाथ पाँव सब चूमने को जी चाहता है। तुम्हें देखूं तो दिल्ली में टेस्ट है, नोएडा में टेस्ट नहीं है। या तो हमें नहीं पता होगा जहाँ जहाँ कहीं देंगे। तुम गए सब जगह? हाँ पता है। बिरयानी के नाम पर पुलाव भेजते हैं यहाँ। क्या जो सोया चंक्स होती है ना, इतनी छोटी छोटी मटर के दाने वाले। ये रहा हमारा डेजर्ट। गुन्नू को अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा आइसक्रीम सैंडविच मेरे हस्बैंड की फेवरेट, उनको अच्छी लगती है। मैंने भी खाई है, ठीक लगती है मेरे को। बस हम घर पहुंच गए क्योंकि हम बगल में ही थे, तो ये खाते हैं और फिर घर जाके खाना बनाते हैं, सर्ट लेते हैं, सो जाते हैं जाके बिस्तर बोले बिस्तर में। पेट में हवा जाने की भी जगह नहीं है मेरे। तुम्हारे नहीं है ना, मैं तो खाना खाऊंगा ही खाऊंगा। चॉकलेट दे दी यार इसने। तो आती है क्या? अच्छा वनीला आती है नहीं? बोलना था। देख वनीला है क्या? एक्सचेंज कर ली, मेरे को चॉको दे दी, वनीला खुद ले ली। गुन्नी देख रही तू? अच्छी है वाली। मुझे चॉकलेट पसंद है। मैंने एक्चुअली चॉको वनीला, आधा हाफ वनीला हाफ चॉको है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे तूने चॉकलेट खा ली, अब तेरा जो वनीला वाला हिस्सा आएगा वो पार्ट आएगा वो मेरे को दे दियो। तो गाइस घर आ गए, चेंज वगैरह कर लिया। गुनू सो गई है, थक रही थी तो एक्चुअली थोड़ा परेशान सोने की वजह से गई थी। नींद कैसी, क्योंकि पेट तो भरा था, मैं खिला के ले गई थी उसे, बट उसे नींद आ रही थी, सोने का समय था उसका। आज हाँ इसी के हवाले से हमसे अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही तुम तरक्की करते रहो और मुझे ऐसे ही खिलाते पिलाते रहो। मैं तो बोझ बन के लटकना चाहती हूँ। पैसे खत्म हो गए, देख रहे हो? एक भाई यार रिकॉर्ड है, मैंने इतना सा खाया है। अभी मत बोलते ना, वो तो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं किया जो एक्स्ट्रा खाया। सो गाइस यही था हमारा व्लॉग। मैंने सोचा कि पहली बार गुन्नू के साथ हम थोड़ा सा जा रहे हैं, वैसे हम गए बगल में ही थे, पास में ही थे, बट छोटी सी देर थी हमारी। हम रेस्टोरेंट मिस करने गए क्योंकि अभी गुन्नू छोटी है, अभी हम नहीं ले जाना चाहते थे ऐसी जगह पर, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो देखेंगे। और दूसरा कि वो परेशान भी करेगी बच्चों के साथ, और तीसरा कुछ है नहीं। एंड दूसरा ये कि जो किसमें मैंने जीन्स पहनते थे आज, इतनी कंफर्टेबल थी ना, तो मैं सोच रही हूँ दो चार और हो जाए। वीडियो में कह रहे सच में दिला रहे हो? दिला देंगे। उस दिन भी उन्होंने कहा, मेरे को एक्चुअली दो पसंद आई थी, पहले H&M में मुझे एक पसंद आई थी वो मैंने नहीं ली, फिर दो मुझे पसंद आई थी यहाँ पे, मैंने एक ही ली। उन्होंने कहा दोनों ले ले, बट मैंने एक ही ली क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। मुझे लगा ना एक बहुत कॉस्टली ही लग रही थी मुझे, मुझे लगा कॉस्टली। मैं नहीं रहती सरोजिनी नगर से, कौन लेता है, मैं तो जानती नहीं सरोजिनी नगर क्या है। तो ना मैंने सोचा अमेजोन पे सस्ती मिलेगी, मुझे अमेजोन पे वैसे मिली नहीं थी। तो अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद जाऊँगी उसको लेकर आऊँगी वहाँ से। वो पैटर्न अभी चल ही रहा, वो पैरासूट पैंट थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी पहन के। एनीवेज गुन्नू उठ गई है, गुन्नू उठ गई। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बत्तर तो निकाल गुनू।
हैप्पी बर्थडे कर दे पापा का, हैप्पी बर्थडे। इसके बाल कैसे हो रखे वो कैसे कर रही है।